दोस्तों काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास जो टेबल फैन है वो चालू नहीं हो रही है। कैसे पहचानेंगे इसकी प्रॉब्लम को कि फॉल्ट क्या है, हम बताएंगे काफ़ी सिंपल और सरल तरीका, आप अपने टेबल फैन की प्रॉब्लम को पहचानेंगे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करनी है, ये जो लीड वायर है, जो टेबल फैन जिस वायर से चलती है उस वायर को बिल्कुल अच्छे से देखनी है, कहीं पर कटी तो नहीं है। कई बार ज्वाइंट रहती है, ज्वाइंट को खोलकर चेक कर लीजिए। यहाँ से पावर कई बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, ज्वाइंट के अंदर से ही जल जाती है, टूट जाता है, तो ज्वाइंट के अंदर चेक करनी है। उसके बाद ज्वाइंट के अंदर अगर ख़राब है उसे ठीक करेंगे तो आपकी पंखा चालू हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर चेक करना है, नीचे देखिए इसके पीछे में जो टीना लगा होता है, टीना निकालेंगे चार स्क्रू खोलने के बाद। यहाँ पर जो वायर है उसको बारी बारी से चेक करनी है, कोई तार यहाँ पर जली तो नहीं है या टूटी तो नहीं है। कई बार जल जाती है या टूट जाता है जिसके कारण से टेबल फैन नहीं चलता। चलिए आपने दोनों चीज़ देखा, उसके बाद भी आपकी टेबल फैन चालू नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं हम इस वीडियो में। देखिएगा, टेबल फैन रखा, टेबल फैन की प्लग जो होती है उसको हम इस बोर्ड पे लगाते हैं, बोर्ड से स्विच ऑन करते हैं पर टेबल फैन नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जो हमारी टेबल फैन है सब कुछ ठीक है, टेबल फैन पूरा ठीक है, फिर भी नहीं चल रहा। प्रॉब्लम देखिए, यहाँ से प्लग उठाया, प्लग उठाने के बाद सोचता हूँ कि स्विच बोर्ड ख़राब है क्या, टेस्टर से चेक करते हैं। ये देखिए, टेस्टर से चेक करने के बाद यहाँ पर जो करंट की सप्लाई दिखा रही है इससे कंफर्म होती है कि स्विच बोर्ड ठीक है, लेकिन डाउट होती है टेबल फैन ख़राब है। लेकिन यहाँ पर टेबल फैन ठीक है, स्विच बोर्ड ख़राब है। चलिए कैसे बताते हैं, देखिए करंट आ रही है, इस टेस्टर से न्यूट्रल पता नहीं चलती है। चेक करने का तरीका, यहाँ पर हम दूसरी चीज़ लेते हैं जो बिजली से चलती है, तो हमने यहाँ पर एक बल्ब ले लिया, इस बल्ब को रखते हैं, बल्ब की जो पिन होती है प्लग उसको इस बोर्ड पे लगाते हैं। देखिए बोर्ड पे लगाया लेकिन बल्ब नहीं जली, इसका मतलब कंफर्म है कि स्विच बोर्ड ख़राब है। अब वो भी बताते हैं हम, तो इस स्विच बोर्ड में क्या है, करंट आ रही है लेकिन माइनस पॉइंट नहीं आ रही है, न्यूट्रल पॉइंट, जिसके कारण टेबल फैन नहीं चल रही है। तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे, अपनी जो टेबल फैन है उसको उठाकर दूसरे स्विच बोर्ड से लगाकर देखेंगे तो हमारी टेबल फैन जो है चालू हो जाएगी और स्विच बोर्ड को ठीक करेंगे। इस तरीके से हम काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से टेबल फैन की जो प्रॉब्लम है उसे समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, फिर से लेकर आता हूँ मैं नई वीडियो, इस वीडियो में काम बोलेगा, अगले वीडियो में मैं फिर से बोलूँगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।